इसी फहरिस्त में आज हमारे साथ मध्य प्रदेश के सागर से सोहेल खान हैं और दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने महज 22 वर्ष की उम्र में ही कई मुकाम हासिल किए हैं। तो टीचर यू शुड टेल यू, आपका बच्चा सिर्फ खेलता है, पढ़ाई नहीं करता है। टीचर कहता है सर आपका बच्चा स्पोर्ट्स में कुछ ना कुछ तो करे, रहता करो, पर बैलेंस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। पोडियम पे खड़े होके भारत का राष्ट्रगान बजेगा ना, तब कहते हैं ना एक दिल को चैन मिलता है, तो इट्स फील लाइक हेवन टू मी। मेरा रुझान है डिफेंस में, मेरा बहुत अच्छा रुझान है, मैंने एनसीसी भी किया है। मैं एनसीसी में सी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ और थल सेना 2017-19 में भी मैं कैडेट था एमपीसीजी का। बिकॉज मैं घर पे इकलौता बच्चा हूँ, ना मेरी कोई बहन है ना भाई है, तो मेरी मम्मा जो है इवन इधर आने के लिए भी मम्मा इस सही मैं भी साथ चलती हूँ, मैं बाहर बैठी रहूंगी, अपना इंटरव्यू देना मैं बाहर वेट करूंगी। तो मैंने कहा नहीं मम्मा मैं चला जाऊंगा, मतलब कहते हैं ना माँ को तो हमेशा बच्चा छोटा ही सा होता है कितना भी बड़ा हो जाए। तो मेरे को जो टेक्निक्स पसंद है कि हाँ यार इसका जिजित्सु बहुत अच्छा है, तो इससे मैं ये चीज कॉपी कर सकता हूँ, यार इसका बॉक्सिंग पंच क्या शानदार है, ये कॉपी मैं इससे करूंगा। तो ये चीजें अलग अलग जगह से अलग अलग सोर्सेज से इकट्ठा करके और ट्रेनिंग में अप्लाई करने का काम करता हूँ। इसी तो इन टुडेज वर्ल्ड गर्ल्स ये मत करो, इतने टाइम मत जाओ, इतने बजे मत आओ, ऑटो में कौन है क्या रखे। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि वो गलत है, वो सही है कई हदों तक, बट हम कोशिश करते हैं इन चीजों में उनको अवेयर करने में। व्हाई नॉट कि अगर हम उनको फिजिकली इतना कैपेबल कर दें कि वो बॉयज के साथ कम्पीट करें तो भी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। जो लड़कियां हैं उनको आप प्रशिक्षण देते हैं और वो प्रशिक्षण आप मुफ्त में देते हैं। She or he might don't want to become a Bruce Lee fighter. उनको ना Bruce Lee बने, उनको तो ये पता है अगर कोई मेरे को चाटा मार रहा है तो कैसे बचना है, कोई मेरा हाथ पकड़ रहा है, कोई मेरे को छेड़ रहा है तो कैसे बचना है। As simple as this. Self defense is a very easy kind of thing. हम उसको समझते हैं कि अरे नहीं rocket science है बहुत बड़ा, नहीं बहुत easy techniques है, वो सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, अभी भी मैं सीख रहा हूँ। I used to train every day. सिंपल, जैसे मैं आपको बैठे बैठे बताऊंगा, आप किसी का हाथ पकड़ोगे तो ऐसे पकड़ोगे, ऐसे जैसे हमने ये देखो सर ने ये नॉर्मल हाथ पकड़ा है राइट, तरफ हमने शायद फोर्थ या फिफ्थ क्लास में पढ़ा था एक लकड़ी को तोड़ना आसान रहता है और लकड़ी के गट्ठे को तोड़ना इज वेरी डिफिकल्ट राइट। तो मैं भी अभी सिर्फ वही यूज करूंगा टेक्निक, मैं ना कि नीचे से ऐसे खींचने की कोशिश करूंगा आपको, आई विल जस्ट ट्राई टू पुल माई सेल्फ अप। एज सिंपल एज दिस, 2 मिनट काइंड ऑफ मैगी नूडल्स 2 मिनट में बनाया पकाया खाया। सो ऐसी चीज है, ऐसा नहीं है रॉकेट साइंस, वो अगर आप टॉपर नहीं रहोगे तो भी मेरे को चलेगा, आप अगर अच्छे से गंदे एथलीट रहोगे तो भी मेरे को चलेगा, पर इंसान अच्छे रहोगे। यू वी आल्सो रन अ स्मॉल एनजीओ इन सागर, नेम इज हेल्पिंग हैंड्स, के मददीय हाथ। लोगों का मोटिव सर सिंपल है, जो छोटे गरीब लोग हैं उनका हेल्प करें किसी भी वे में, कि यार वो इतना कैसे स्ट्रगल करके आ सकते हैं, अपन को तो ये पका पकाया मिलता है, तो व्हाई नॉट कि अपन दूसरों को ऊपर अपलिफ्ट करें इंस्टेड ऑफ अपने आप को ही ऊपर बढ़ाना। साथ में किसी को बढ़ाएंगे तो रहेगा ना साथ में एक होता है, बट वो ये चीज नहीं समझते हैं सर, जो 12th के बाद उसके पास नॉलेज रहेगा ना उससे जो अभी वो काम कर रहा है उसका डबल कर देगा, ये चीज उनका समझना बहुत ज्यादा है। तो ये थे सागर के सोहेल खान, जिन्होंने साफ तौर पर कुछ टिप्स भी दिए जो फीमेल दर्शक है पत्रिका के, और इसी के साथ साथ इन्होंने बताया कि आप चाहे किसी भी प्रकार से हो, एथलीट अच्छे हो या ना हो, अच्छा पढ़ते हो या ना पढ़ते हो, ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन अच्छा इंसान आपके लिए होना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।